डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गेहूं के आटे से ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूं, जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के टाइम इसे बनाना इतना इजी है कि पूछो मत। इसे बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ना ही मेहनत लगती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो आइए देखते हैं गेहूं के आटे से हम कैसा नाश्ता तैयार करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंग्रेडिएंट्स ज्यादा नहीं है, हेल्दी बहुत है। आप अगर इसे खाएंगे तो आप बिल्कुल परांठा खाना भी भूल जाएंगे। कई बार सब्जी का भी मन नहीं होता, परांठा खाने का भी मन नहीं होता, तो बिल्कुल नई डिश है ये और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि बच्चे अक्सर सब्जी नहीं खाते तो उनको इस तरीके से हम सब्जी भी खिला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये गेहूं का आटा। इसमें मैंने मैदा नहीं डाला, कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, कुछ नहीं ऐसी चीज डाली, सिर्फ गेहूं का आटा है ये। और ये है मेरी सब्जियां। तो सब्जियों में मैंने क्या लिया है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है और आलू है। इसे मैंने बारीक काट लिया है। इसकी मैंने पहले वीडियो दे रखी है कि नाइसर डाइसर के अंदर इसको इक्वल कैसे काटना है और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता। एक मिनट के अंदर हम कितनी सब्जी काट सकते हैं। आपके पास अगर कोई और सब्जी पड़ी है, जैसे बीन्स पड़ी है या मटर पड़े हैं, आप कोई भी चीज इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जो सब्जियां पड़ी थी मैं यही सब्जियां डाल रही हूँ। मैंने एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक आलू और एक टमाटर लिया है। तो इसके अंदर हम सब्जियां बाद में डालेंगे, सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या है, नमक। तो ये है एक छोटा चम्मच नमक, तो हम डालेंगे नमक। एक हरी मिर्च हमने काटी है, एक हरी मिर्च हम डाल देंगे। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं डाल रही हूँ, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है, तो मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर भी डालूंगी। और ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बहुत ही टेस्टी मैजिक मसाला, ये बच्चों का बहुत ही टेस्टी मसाला होता है। तो इसके अंदर मैं फ्लेवर देने के लिए ये स्पेशल डाल रही हूँ एक चम्मच, एक छोटा चम्मच है ये। मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्जियां, सारी सब्जियां डाल रही हूँ। पानी आपने हिसाब से डालना है क्योंकि सब्जियों के अंदर भी मॉइस्चर होता है और ये अपना पानी भी छोड़ती हैं, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया। तो आपने देखा है कितना हेल्दी है सारा कुछ इसमें। इसके अंदर हम डालेंगे पानी। एक हमने बैटर तैयार करना है इसका। ये हमारा बैटर बनके तैयार है। एक कढ़ाई को हमने गैस पे रख लिया है। आप चाहें तो इस बैटर के अंदर आप लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने दें। ये मेरी कढ़ाई जो है ये नॉन स्टिक है, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। एज ए जैसे ग्रीस करते हैं इस तरह से ऑयल डालना है, मैंने बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालूंगी। कढ़ाई जो है हमारी गर्म हो गई है, आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे हमने फैला देना। आप देख रहे हैं मैंने इसे फैला दिया है, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है और हम इसे इस तरह से ढक देते हैं। एक मिनट हो गया है, हम इसे देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके किनारे जो है वो पूरी तरह से उठे हुए हैं और ऊपर से पता लग रहा है कि ये नीचे से पक गया होगा। तो मैं इसको पलट देती हूँ। आप देख रहे हैं कि एक तरफ से पक चुका है, तो एक दो बार हम इसे इसी तरह से पलट देंगे, उधर भी हम पकने देंगे। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग घी या मक्खन खा लेते हो तो आप इसके अंदर मक्खन या घी और यूज कर सकते हो, बट मैं इसे बहुत ही कम घी में बना रही हूँ, यानी बिना घी के बना रही हूँ। मैंने ये दूसरी तरफ भी पलट दिया है। आप देख रहे हैं कि ये हमारा बहुत ही अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। इसे हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। आपने देखा है कि ये कितना हेल्दी है और कितना टेस्टी ये बनता है। आप इसे बना के जरूर देखें, जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।